एक कार्यक्रम के दौरान में देखा कि कुछ जो हमारी माताएं बहनें हैं वो श्रद्धावश जो वहाँ भिक्खु थे उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश कर रही थी। भिक्खु जानकार थे, उन्होंने चरण स्पर्श के लिए मना कर दिया और जैसा कि वंदना की परंपरा है उसके हिसाब से उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। तो कई उपासकों ने पूछा कि आखिर उन्होंने पैर छूने के लिए क्यों मना कर दिया। बात छोटी सी है मगर इसका अर्थ बहुत गहरा है। भिक्कू या भिक्कुणी, भंते, स्थिवर, महास्थिविर या महाथेरा, भदंत, थेरा, थेरी, मॉन्क, सामनेर, ये जो लोग होते हैं ये विपसना साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और सीलों का पालन करते हैं जैसा बुद्ध के अनुसार उस समय के अनुसार चल रहे हैं। दो चार चेंज भी हुए हैं। तो यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि वो पैर छूने के लिए उन्होंने मना क्यों किया और क्यों नहीं छूने चाहिए या छूने चाहिए। भिक्खु अपने पांच जीवन के रस छोड़ चुके हैं, भिक्खुनी छोड़ चुकी हैं। पांच कौन से रस हैं, पांच कौन से सेंसर हैं, पांच कौन सी इनपुट्स हैं, यानी जो इनपुट्स आते हैं बॉडी के अंदर। पहला तो इनपुट्स है कि वो अपनी जो आँख है, जो विजन है, उससे वो बिल्कुल साफ साफ देखते हैं और उस विजन को अंदर तक माइंड में नहीं आने देते। देखते हैं और देख के बस उसको आभास करते हैं, उसका भाव अंदर नहीं आने देते, उसका रिएक्शन नहीं आता बॉडी में, कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो खाना खाते हैं उस खाने का वो कोई टेस्ट नहीं लेते, वो टेस्ट उनके लिए सिर्फ भोजन है। वो भोजनहारी होते हैं, जितना उन्हें खाने की मात्रा चाहिए, जितना मात्रा उनके लिए शरीर के लिए जीवित 24 घंटे में चाहिए उतना वो लेते हैं 12 बजे से पहले, उसके बाद वो भोजन नहीं लेते। तो टेस्ट नहीं लेते और ना ही वो टेस्ट मांगते हैं। तो जीभ का जो रस है, यानी कि जो जीवा है, जो टंग है, उसका जो सेंसर है उनके लिए बेकार है। जो वो कानों से बात सुनते हैं, कानों से बात जो सुनते हैं वो सिर्फ शब्द सुनते हैं, उसका प्रिय होना या अप्रिय होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कोई उन्हें प्रिय बात कहे या अप्रिय बात कहे, उनके लिए सिर्फ बात होती है। कोई स्मेल कैसी भी है, हम उसे चाहे बदबू कहें या खुशबू कहें, चाहे उसे फ्रेग्रेंस कहें या उसे बैड स्मेल कहें, वो उनके लिए सिर्फ एक स्मेल है, एक उनके लिए एक बू है जिससे कि आती है और वो सिर्फ उसे जानकारी होती है। चार बातें हैं। और पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो पूरा शरीर है, उनके पूरे शरीर में जो स्किन में सेंसर हैं जिससे टच की फीलिंग आती है, वो किसी भी टच की फीलिंग से परे हैं। वो कोई भी टच की फीलिंग उनके अंदर तक नहीं जाती है। तो उपासक और उपासिका का ये फर्ज बनता है कि वो भिक्कू, भिक्कुणी, सामनेर, स्थिविर, भंते, भदंत, मंक जो भी हैं, संत हैं, या अगर वो कहीं बुद्धिस्ट परंपरा में ना हो के किसी अन्य परंपरा में भी हैं और वो संत हैं या उस लाइन पे आगे जा रहे हैं, तो उनको स्पर्श की अनुभूति ना दें। स्पर्श की अनुभूति देने से उनके अंदर जो स्पर्श जाएगा तो वो उस समय के लिए विचलित हो सकते हैं, आप भी विचलित हो सकते हैं, क्योंकि स्पर्श उनको जाएगा, स्पर्श आपको भी आएगा, तो आप भी विचलित हो सकते हैं। उनका मन बदल सकता है, आपका मन बदल सकता है, उनके मन में कोई भाव आ सकता है, आपके मन में कोई भाव आ सकता है, उनकी साधना खराब होगी, आप उस साधना को खराब करने के भागीदार ना बने। आपका मन भी खराब हो सकता है, तो आप अपने स्वयं के मन को अच्छा या खराब करने के भागीदार ना बने। ये पुरानी परंपरा है, इसलिए भिक्खुओं को जो अभिवादन या भिक्खुणों को जो अभिवादन किया जाता है वो बिना टच के दूर से किया जाता है, पास से नहीं। समझदार भिक्खु जो होते हैं, जिनकी उपसमदा होती है, जो पढ़े लिखे होते हैं और जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो कभी टच नहीं कराते, और जो टच कराते हैं अभी उनकी उपसमदा नहीं हुई है। कोई नियम नहीं बदला है टच का, टच का नियम सेम है कि आपको टच नहीं करना, छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, फस नहीं करना है। फस बोलते हैं इसको पाली में, फस नहीं करना है, क्योंकि फस करने से आपके सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे। इसलिए ये स्पष्ट है, अगर जानकारी किसी को होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो जानकारी देनी चाहिए कि क्यों नहीं छूना चाहिए, क्यों नहीं टच करना चाहिए, क्यों नहीं उनको
ऐसा करना चाहिए कि उनकी विपसना में, साधना में, या जो प्रयत्न वो कर रहे हैं उसमें कोई अलाभदायक चीज़ हो जाए, कोई हानिकारक चीज़ हो जाए। धन्यवाद।